हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाकला पन एक्सप्लोर। माय नेम इज निधि चौहान। सो ये दूसरा पार्ट है, हमने लंच कर लिया है। आई डिडंट व्लॉग द लंच वाला पार्ट बिकॉज वी वर लाइक रियली वेरी हंग्री। सो अभी यहाँ से जो चीज़ें हम जा सकते हैं एंड कंप्लीट इन अ डे बिफोर 6 o'clock वी आर गोइंग टू डू दैट एंड आपको वो दिखाते हैं। सो अभी फिलहाल थोड़ा टाइम बैठ के देन वी आर गोइंग टू कैच द बस, क्योंकि बस का सर्विस फ्री है यहाँ पे। एंड एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो आपको कैब करना पड़ता है जो अंदर है एंड या तो बस से। वन गुड थिंग इज़ दैट जो भी रिक्शा है या जो भी कैब्स है दे ऑल आर इलेक्ट्रिकल, सो दैट्स लाइक रियली वेरी नाइस। सो या लेट्स गो। यहाँ पे देर आर सुवेनियर शॉप्स ऑल्सो, तो चलो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सो गेट नंबर 5 से जब आप एग्जिट करते हैं वहीं पे है ये। सो अभी हम स्टेशन के पास जा रहे हैं एज इन बस स्टॉप के यहाँ पे। सो अंदर लिखा रहता है आपको कहाँ जाना है एंड कौन से बस स्टॉप पे जाना है। दिस इज हाउ इट इज एंड वी आर गोइंग अभी फिलहाल जल्दी जल्दी। ओके सो वी आर इन द बस नाउ और अभी हम डैम जा रहे हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू स्टेशन 4 यानी जो बस स्टॉप पे 4th स्टेशन है वहाँ से यू गेट अ बस। तो हर इस पर लिखा रहता है कि कौन सी पकड़ना है एंड दिस इज एन एसी बस। सो यहाँ पे जंगल सफारी है, जिसने भी जंगल सफारी का टिकट बुक किया है दे कैन कम हियर। इट इज़ 200 rupees पर पर्सन। जो राइड था वो एकदम एक बम्पी राइड था एंड वहाँ राइड में आपको जो गार्डन दिख रहा था मेज गार्डन यानी फ्लावर वैली, हम वहाँ बाद में जाएंगे। तो हम फाइनली पहुंच गए हैं डैम के यहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू गेट ऑफ द बस डैम के पास जाने के लिए। दैट्स द डैम। सो दैट वॉज द डैम एंड डैम के यहाँ पे आने के लिए जो चढ़ाई थी दैट वॉज लाइक डैम। आई नो स्टूपिड प्लीज बट या काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा भी नहीं थी बट या। एंड नाउ हम नीचे जा रहे हैं। सो डैम के यहाँ पे भी देयर इज अ स्टैचू हियर छोटे से एंड नाउ वी आर गोइंग टू गो डाउन दैट स्लोप। ऐसे ही स्लोप में हम चढ़ के भी आए थे। सो या लेट्स गो। ओके तो नाउ वी आर सिटिंग बैक इन द बस एंड अभी पता नहीं कौन से डेस्टिनेशन जा रहे हैं। आई एम सेइंग पता नहीं बिकॉज वी हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग एंड वी वांट टू डू एवरीथिंग अनप्लान्ड, जैसे जो मन किया वो कर लो वो टाइम पे। सो या बस सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री।
लाइक अगर आप रेगुलर टिकट बुक करते हो 400 की टिकट होगी, एक्सप्रेस वाला बुक करते हो तो भी। तो नाउ द बस हैज ड्रॉप्ड अस टू वैली ऑफ फ्लावर्स, हम वहाँ जाने वाले हैं। एंड लाइक आई टोल्ड यू, हर जगह यहाँ पे ऐसा फ्री पानी का है, यू कैन फिल इन, एंड दैट्स अ रियली रियली वेरी गुड थिंग। And they also have washrooms which are really really clean. So yeah. This is the Valley of Flower. Like, just look at this. This is so pretty. तो शाम के टाइम पे यहाँ पे यू सी ऑल दिस, ये सब ग्लो होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लो गार्डन। शाम को वी वोंट बी स्टेइंग शाम तक, सो आई एम रियली सॉरी वी वोंट बी एबल टू शो यू दिस, बट या ये है। सच प्रिटी फ्लावर्स, आई लव द कलर्स दो, very nicely color schemed, and see these. तो यहाँ पे हर चीज़ इतनी थॉटफुली बनाई गई है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, बट दैट्स द डैम वहाँ पे, देन दिस इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स, इसी के जस्ट ऑपोजिट वो तरफ इज़ द सफारी गार्डन, ये जंगल सफारी, एंड बट ऑब्वियस स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो इट्स लाइक मेड वेरी वेरी थॉटफुली, हर चीज़ एकदम अच्छी सही जगह पे फिट हुआ है, एंड हर जगह से जहाँ से आप देखेंगे ना वहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखेगा। सो दैट्स लाइक रियली रियली वेरी नाइस। ओके, सो नाउ वी आर सिटिंग इन अ ई रिक्शा एंड दिस इज लाइक 130 रुपीज़ फॉर वन रिक्शा, इसमें तीन लोग बैठ सकते हैं, एंड देन यू कैन गो। ओके, सो वी आर बैक, शेड्स चेंज हो गए क्योंकि पता नहीं कैसे वो पहले वाले शेड्स का दंडी टूट गया था, सो नाउ हम पार्किंग पे आ गए वापस। तो पूरा जो एरिया है ना, लाइक आई शोड यू इन द वीडियो आल्सो, वेरी क्लीन, एंड ये जो ई रिक्शाज है दैट इज आल्सो वेरी वेरी नाइस। तो वी एंजॉयड द राइड, बस इज़ लाइक ओके एसी बस है, कार में एसी होता है, बट ये जो खुला खुला था ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड या अभी हम देखते हैं क्या करना है। ओके, सो एवरीबडी इज़ वेरी टायर्ड, तो नोबडी इज़ गोइंग एनीवेयर, देयर इज़ अ कैक्टस गार्डन एंड अ बटरफ्लाई गार्डन, बट बहुत ज़्यादा धूप है गाइज, इतने धूप में वहाँ पे नहीं जा सकते। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू जस्ट ईट एंड देन लीव फ्रॉम योर। तो जहाँ कार पार्किंग होती है वहीं पे चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, यू गेट फूड ऑल्सो योर, एंड देर आर क्लीन वॉशरूम्स, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस प्लेस आउट। सो गाइज, अभी हम यहाँ से निकल गए हैं, अब बहुत ज़्यादा धूप है, आई रिकमेंड यहाँ पे आओ जब थोड़ा ठंडी हो, बिकॉज जब इतना ज़्यादा धूप होता है ना तो यू कांट कवर एवरीथिंग, एंड कीप ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि डिहाइड्रेट बहुत हो जाते हैं,
नहीं पता चल रहा है आप कितना वॉक कर रहे हैं, भले देयर इज टैक्सी सर्विस, देयर इज रिक्शा सर्विस, ई रिक्शा जो होती है एंड बस सर्विस, बट स्टिल यू हैव टू वॉक अ लॉट एंड मेक श्योर यू आर वेयरिंग कम्फर्टेबल शूज, बिना उसके तो नहीं हो पाएगा. एंड आपको जैसा जो पसंद है आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं. कुछ कुछ चीज़ें फ्री होती है, टिकट में ही लिखी होती है, लाइक द गार्डन्स एंड द लाइट शो एंड एवरीथिंग. और कुछ कुछ यू कैन ऑल्सो विजिट द डैम एंड कुछ कुछ चीज़ें जैसे जंगल सफारी, डाइनो ट्रेल, ये सब का पैसा देके यू हैव टू गो इनसाइड. सो वट एवर यू फील लाइक कि आपका दिन कैसा होना चाहिए वैसे आप प्लान करके आ सकते हैं यहाँ पे. बट इट वुड बी एडवाइजेबल टू बुक योर टिकट्स इन एडवांस. सो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से अहमदाबाद. आई विल टेल यू अगर हम बीच में कहीं रुकते हैं तो. लेट्स गो. सो अभी वी आर ऑन आवर वे टू अहमदाबाद एंड कुछ 2.5 घंटे लगने वाले हैं यहाँ से टू रीच द होटल. तो ये अभी जो हाईवे पे है, दिस इज NH 48 एंड दिस कम्स अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलैटरल. दैट्स द रीजन व्हाई इतना बड़ा हाईवे है एंड एकदम सही हाईवे, विदाउट एनी पॉट होल्स, विदाउट एनी बैड रोड. तो जैसे मैं आपको पहले बोल रही थी, ये तरफ आना इज एनी डे बेनिफिशियल बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक बिकॉज ऑफ बैड रोड नहीं होता है एंड इट्स अ वेरी गुड रोड. लेट्स गो. ओके गाइज, तो अभी हम अहमदाबाद वडोदरा जो टोल प्लाजा है उस पर पहुंचे हैं एंड दिस इज ऑन नेशनल एक्सप्रेस वे 1 एंड अभी बज रहे हैं 6:21. ऑल्सो यहाँ का जो टोल है आई गेस इट्स 45 rupees. सो लाइक आई टोल्ड यू पहले भी, महाराष्ट्र में ज़्यादा टोल हर जगह पड़ते हैं, ये तरफ थोड़ा कम पड़ता है. बट या एंड वहाँ पे देयर इज अ सनसेट. होटल पहुंचने को 46 kilometers है एंड एक चीज़ ये तरफ का मैंने बहुत नोटिस किया है कल से आज तक में, द ट्रक्स एंड बड़ी बड़ी जो हैवी व्हीकल्स होती है ये सब राइट में या बीच में चल रही है यहाँ पे, विच इज़ वेरी बैड. रोड्स बहुत अच्छे हैं बट दिस कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. तो आई जस्ट होप कि ये चीज़ सुधारी जाए, बट बाकी एवरीथिंग इज़ लाइक रियली नाइस. खाली ये हो रहा है ना, बिकॉज ट्रक्स और हैवी व्हीकल्स राइट में चल रहे हैं, कार्स हैव टू ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, विच कैन समटाइम्स बी डेंजरस. क्योंकि अगर ट्रक बीच में चल रही है, तो जैसे हमारे साथ अभी एक इंसिडेंस हुआ थोड़ा टाइम पहले, ट्रक बीच में चल रही थी एंड वी डिडंट नो कि लेफ्ट में जो गाड़ी है वो पार्क्ड है, स्टिल कार है, अनलेस हम उसके थोड़ा क्लोज आ गए थे. बट सही टाइम पे वो देखने की वजह से ब्रेक लग गया था एंड दैट्स द रीज़न वाई एवरीथिंग वुड बी अवॉइडेड. बट ये जो चीज़ होती है ना कि ट्रक्स राइट में या बीच में चल रही है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो यूजुअली बाकी हाईवेज पे नहीं दिखती है. बाकी तो एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली एंड एक बार होटल पहुँचते हैं तो देन आई शो. ओके, सो ये अहमदाबाद एंड वडोदरा का जो एक्सप्रेस वे एंड होता है वहाँ का टोल प्लाजा है एंड दिस इज 55 rupees. Courtyard Marriott and this is our stay. We are putting our bags for scan and yeah, I'm super excited. This is like so cool and we are just checking in and वो procedure हो रहा है. ऐसा लग रहा है यहाँ पे आज किसी की शादी है, तो बहुत ज़्यादा केओस है चेक इन के लिए. बट या होपफुली इट शुड बी डन फास्ट. So this is the room tour, the bathroom,
एंड दिस इज द बेड, वेरी गुड, वेरी स्पेशियस. एंड दिस इज मी, वेरी टायर्ड. एंड यहाँ से तो सिर्फ सिटी दिख रही है, बट यार So this is their food, and let me tell you, they took like around 1,000 rupees plus taxes. तो 1100 के आसपास था per person for dinner. But इनका variety देखिए and the quantity and everything is just amazing. The food is on point. ये देखिए कि कितनी ज़्यादा variety है. Everything has a lot of variety and ऐसे लग रहा था ना कि what do you want to have? तो हम सारा ये देख रहे थे, यानी अभी मैं जब ये देख भी रही हूँ तो हम लाइक क्या क्या लेना है, वो लेने में ही टाइम, डिसाइड करने में ही टाइम हो जाएगा. बेस्ट डिसीजन एवर यहाँ पे रहना एंड यहाँ पे डिनर का बुफे के लिए पे करना, बिकॉज द लाइफ काउंटर से लेके सब कुछ एकदम ज़्यादा सही है. नाउ दिस इज़ आर टेबल एंड हमने इतना सब कुछ लेके आए थे. ये जो मॉकटेल्स है ये भी अनलिमिटेड था एंड स्टार्टर्स तो बहुत ही ज़्यादा यमी है. लाइक यू कैन जस्ट लुक एट मी, आई एम हैविंग अ चिकन डम्पलिंग एंड दिस वॉज अमेजिंग. दिस इज माई फूड, ये सबसे अच्छा है. फिश टिक्का, देन दिस इज फिश मसाला एंड स्टीम राइस, एंड दिस इज कीमा बिरयानी. ये जो फिश मसाला एंड स्टीम राइस था, दिस वाज द यमीएस्ट पार्ट. इसने मेरा डिनर जो है एकदम सक्सेसफुल बना दिया था. सो अभी द फेवरेट पार्ट ऑफ फूड इज पिज़्ज़ा. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस डे एंड आई होप आपको भी मजा आया हो. आई एंजॉयड अ लॉट. अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो लीव इट इन द कॉमेंट्स. द डिनर वॉज अमेजिंग, वेरी नाइस बुफे, बहुत अच्छा खाना था. द फिश वॉज रियली रियली वर्थ इट. एंड सो अभी के लिए आई एम जस्ट टेकिंग ऑफ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. एंड कल मिलते हैं विद अ न्यू व्लॉग. सो फॉर नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट to follow me on Instagram, and until next time, bye, keep exploring.